हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा दसवीं विषय हिंदी का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा दस विषय गणित विज्ञान और इंग्लिश का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र पेपर हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो निर्देश हैं, पहला निर्देश है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, दूसरा प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है, और तीसरा निर्देश है विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में ही करके हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक को उपलब्ध करवाएंगे। यहाँ पर आपको जो सभी प्रश्न दिए गए हैं, यह सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्ट टाइप यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है महाकवि तुलसीदास का जन्म हुआ, और यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1532। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक दो, तुलसीदास जी के गुरु कौन माने जाते हैं। यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं। अ नंबर का ऑप्शन है नर हरिराम, ब नंबर का ऑप्शन है हरिहरदास, स नंबर का ऑप्शन है नर श्रीराम, और द नंबर का ऑप्शन है नर हरिदास। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर हरिदास। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न की मांग तीन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं। अ नंबर का ऑप्शन है पाँच, ब नंबर का ऑप्शन है छः, स नंबर का ऑप्शन है सात, और द नंबर का ऑप्शन है नौ। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सात, जो रामचरितमानस में सात कांड हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक चार, तो प्रश्न क्रमांक चार है लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से संकलित है। यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल कांड। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक पाँच, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है। यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं। अ नंबर का ऑप्शन है रश्मिरथी, ब नंबर का ऑप्शन है बिना पत्रिका, स नंबर का ऑप्शन है कवितावली, और द नंबर का ऑप्शन है रामचरितमानस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रश्मिरथी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक छः, तुलसीदास जी का जन्म किस गांव में हुआ। यहां पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। अ नंबर का ऑप्शन है आरा, ब नंबर का ऑप्शन है बांदा, स नंबर का ऑप्शन है राजापुरा, और द नंबर का ऑप्शन है रामपुरा। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजापुरा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक सात, धनुष यज्ञ किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ है राजा जनक द्वारा, ब नंबर का ऑप्शन है राजा दशरथ, स नंबर का ऑप्शन है परशुराम, द नंबर का ऑप्शन है सतानंद। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा जनक द्वारा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक आठ, धनुष यज्ञ में किन मुनि विशेष के समझाने पर परशुराम क्रोध शांत हुआ। तो यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं। अ नंबर का ऑप्शन है वाल्मीकि, ब नंबर का ऑप्शन है विश्वामित्र, स नंबर का ऑप्शन है तुलसीदास, और यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन है वशिष्ठ। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब यानी कि विश्वामित्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक नौ, मृगु कुल केतु शब्द पाठ में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं। अ नंबर का ऑप्शन है राम, ब नंबर का ऑप्शन है लक्ष्मण, स नंबर का ऑप्शन है परशुराम, द नंबर का ऑप्शन है जनक।
तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परशुराम। इसके बाद जो अगला प्रश्न है और प्रश्न क्रमांक 10, सुनहु राम जेहि सेव धनु तोरा। तो यहाँ पर आपको खालिस्तान दिया गया है, सम सो रिपु मोरा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं, अ नंबर का ऑप्शन है सहस बाहु, ब नंबर का ऑप्शन है बाली, स नंबर का ऑप्शन है रावण, द नंबर का ऑप्शन है ताड़का। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर होगा सहस बाहु। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, लक्ष्मण परशुराम संवाद किस भाषा में लिखित है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आ नंबर का ऑप्शन है ब्रज, ब नंबर का ऑप्शन है अवधि, स नंबर का ऑप्शन है संस्कृत और द नंबर का ऑप्शन है प्राकृतिक। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधि भाषा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, भृगु कुल केतु शब्द में कौन सा अलंकार मुख्यतः प्रयुक्त है। यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं, आ नंबर का ऑप्शन है दीपक, ब नंबर का ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, स नंबर का ऑप्शन है अपनुति और द नंबर का ऑप्शन है उपमा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, लक्ष्मण परशुराम संवाद में मुख्य रस है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, अ नंबर का ऑप्शन है श्रृंगार, ब नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर उत्प्रेक्षा, सॉरी यहाँ पर प्रलंभ और स नंबर का ऑप्शन है रौद्र और यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन है बीभत्स। तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 13 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर कौन सा रस होगा, रौद्र रस होगा। इस संबंध राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौन सा रस है, रौद्र रस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है, भुजबल भूमि भूप विनु केन्ही पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आ नंबर का ऑप्शन है अनुप्रयास अलंकार, ब नंबर का ऑप्शन है यमक, स नंबर का ऑप्शन है श्लेष, द नंबर का ऑप्शन है स्वभावोक्ति। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ अनुप्रास अलंकार। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, क्षत्रिय कुल द्रोही शब्द किसका विशेषण है। तो यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं, आ नंबर का ऑप्शन है राम, ब नंबर का ऑप्शन है लक्ष्मण, स नंबर का ऑप्शन है जनक, द नंबर का ऑप्शन है परशुराम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परशुराम। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, छुई मुई एक पादप विशेष के लिए तुलसीदास जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है। यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुम्हण बतिया। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, लक्ष्मण परशुराम संवाद के अनुसार कोठारू किसका शस्त्र विशेष है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, अ नंबर का ऑप्शन है लक्ष्मण, ब नंबर का ऑप्शन है परशुराम, स नंबर का ऑप्शन है राम, द नंबर का ऑप्शन है शिव। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा परशुराम का। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, कोटि कुलस सम बचनु तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अर्थालंकार है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आ नंबर का ऑप्शन है उपमा, ब नंबर का ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, स नंबर का ऑप्शन है दीपक, द नंबर का ऑप्शन है अनुप्रयास। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, लक्ष्मण परशुराम संवाद में मुख्यतः शैली प्रयुक्त है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, अ नंबर का ऑप्शन है विवेचनात्मक, ब नंबर का ऑप्शन है वर्णात्मक, स नंबर का ऑप्शन है चित्रात्मक, द नंबर का ऑप्शन है व्यंग्यात्मक। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यंग्यात्मक। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 20, लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौशिक शब्द किन ऋषि के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। तो इस प्रकार से आपके सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। तो इस चैनल पर आपको जल्द से जल्द सभी विषयों का पेपर हल सहित सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।